शर्म करो, शर्म करो, अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। इफ्तार पार्टी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। नमस्कार, जय भीम, जय जोहार। मेरा नाम है पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के महिला महाविद्यालय में इफ्तार पार्टी के आयोजन में कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन के शामिल होने पर छात्रों में गुस्सा देखा गया। इसके विरोध में छात्रों ने कुलपति आवास के सामने पुतला दहन किया। वही शांतलाल मुंडा बात, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मुर्दाबाद, 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, परंपरा बंद करो, बंद करो, बंद करो, परंपरा बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, इसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्टूडेंट्स ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कुलपति को रोजा इफ्तार में शामिल होना है तो वह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया मिलिया इस्लामिया में चले जाएं। कड़ों की तादाद में छात्रों ने कुलपति का पुतला दहन कर छात्रों ने कहा कि बीएचयू में इफ्तार नहीं चलेगी। यह विवाद कैंपस से बाहर निकल चुका है। अब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गोबर से उपला विवाद और फिर दलित छात्रों से मारपीट का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि इसी बीच महिला विश्वविद्यालय में शिक्षक छात्राओं और स्टाफ के साथ कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन का रोजा इफ्तार पार्टी में भोज की खबरें और सेल्फी की तस्वीरें सोशल मीडिया पे आते ही कैंपस में छात्रों के एक धड़े ने मोर्चा खोल दिया है। सैकड़ों की तादाद में छात्रों ने कुलपति का पुतला दहन कर छात्रों ने कहा कि बीएचयू में इफ्तार नहीं चलेगी। यह विवाद कैंपस से बाहर निकल चुका है और हिंदू संतों का कहना है कि यदि बीएचयू में कुलपति प्रोफेसर सुधीर जैन रोजा इफ्तार कर रहे हैं तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में रामनवमी मनवाएं और शोभा यात्रा करवाएं। बीएचयू के संपर्क में विभाग द्वारा जैसे ही रोजा इफ्तार पार्टी की खबर और तस्वीरें व्हाट्सएप ग्रुप और ट्विटर पर शेयर की गई, इसके बाद से बीएचयू के छात्रों ने कुलपति और उनकी टीम के खिलाफ आक्रोश जताया। देखते ही देखते छात्रों के आक्रोश की आंच से कुलपति आवास, बीएचयू मेन गेट और सोशल मीडिया तपने लगा। छात्रों समेत हिंदू खुलकर अपना विरोध जता रहे हैं, साथ ही बीएचयू में रोजा इफ्तार और नई परंपरा बंद करो और मुर्दाबाद के नारे लगाकर पुतला फूंका जा रहा है। हालांकि इफ्तार पार्टी का आयोजन विगत 2 साल कोविड में बंद था, इस बार फिर से शुरू किया गया है। यह विश्वविद्यालय की बहुत पुरानी परंपरा है, क्योंकि कोई नई परंपरा अभी शुरू नहीं की गई है। बहरहाल बीएचयू कैंपस का माहौल फिर से गर्माया हुआ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी से संबंध रखने वाले बीएचयू के शोध छात्र भानु प्रताप सिंह ने कहा कि लंबे समय से रोजा इफ्तार जैसा कोई आयोजन विश्वविद्यालय में नहीं हो रहा था, अचानक ऐसा करना उचित नहीं है। उन्होंने वीसी पर आरोप लगाया है कि वह छात्रों के हितों की बात को दरकिनार करते हैं। परिसर में इफ्तार पार्टी का आयोजन निंदनीय है। जहां अभी पूरे देश में अजान, लाउड स्पीकर, चालीसा, बुलडोजर मुद्दा छाया हुआ है, जबकि महंगाई, बेरोजगारी, महंगी सीएनजी, पेट्रोल मुद्दा होना चाहिए, मगर अब वही इफ्तार भी मुद्दा बना दिया गया है। अब हर विश्वविद्यालय राजनीति का अखाड़ा बनते जा रहे हैं, इससे इनकी साख और पहचान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, बल्कि यह एक सुनियोजित तरीके से कराया जा रहा है। इससे दुनिया के टॉप विश्वविद्यालय की छवि को इतना नुकसान पहुंच रहा है कि छात्रों के एक धड़े द्वारा सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए यह सब बितड़ा, रचा और किया जा रहा है। लगातार इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं और
सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। लगातार एक धड़ा लगा पड़ा है कि आपसी संबंध और आपसी भाईचारा खराब होता रहे। अब ये पहुंचते पहुंचते विश्वविद्यालयों तक भी पहुंच गई है, जो कि शिक्षा के मंदिर हैं। अब सोचने और देखने वाली बात यह है कि ये आग फैलते फैलते अब कहां तक जाएगी। पूरे देश में इस तरीके की खबरें आ रही हैं, वहीं अब विश्वविद्यालयों से भी इस तरीके की खबरें आ रही हैं। आप भी इस पर विचार कीजिए। शुक्रिया।